हेलो फ्रेंड्स, सृष्टि डिजिटल वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। चलिए हम इस वीडियो में बात करते हैं कि आप जीसूट कंसोल में नए यूजर्स को ऐड कैसे करें। हाउ टू ऐड न्यू यूजर इन जीसूट कंसोल। अगर आपके पास बिजनेस डोमेन है, जीसूट का अकाउंट है आपके पास, तो आप बड़े ही आसानी से नए यूजर्स को ऐड कर सकते हैं। जीसूट कंसोल में यूजर ऐड करने के लिए आपके पास सुपर एडमिन का राइट्स होना बहुत जरूरी है। या तो आपके पास सुपर यूजर का राइट्स हो या फिर यूजर मैनेजमेंट एडमिन का राइट्स हो। वही यूजर यूजर क्रिएट, डिलीट या अपडेट कर सकता है जिसके पास सुपर एडमिन का राइट्स होगा या फिर यूजर मैनेजमेंट एडमिन का राइट्स होगा। तो चलिए हम गूगल एडमिन कंसोल में चलते हैं। ये हमारा गूगल एडमिन कंसोल है जहाँ से आप जीसूट सर्विसेज को मैनेज करते हैं। तो नए यूजर क्रिएट करने के लिए आप इस यूजर सेक्शन में आएंगे। आप यूजर सेक्शन को क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ प्लस का साइन है, आप इस प्लस पे क्लिक करेंगे। ये ऐड न्यू यूजर का है, इस पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ आपको डालना है फर्स्ट नेम। जो भी यूजर आप क्रिएट करना चाहते हैं उसका आप फर्स्ट नेम डालिए। जैसे मैं डाल देता हूं आकाश। सेकेंड नाम जो है लास्ट नेम यहाँ डालना है। यहाँ हम डाल देते हैं कुछ भी, कुमार। देखिए इसका जो ईमेल आईडी क्रिएट हो रहा है, जो यूजर आईडी क्रिएट हो रहा है वह akash@srishtidigital.world। ये हमारा डोमेन है। उसी तरह आपका भी कोई कुछ और डोमेन हो सकता है। तो जो आपका डोमेन होगा @ वो डोमेन का नाम आएगा। तो हमारा बन रहा है akash@srishtidigital.world। उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी ईमेल डालने का ऑप्शन है, आप डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, अगर आपको जरूरत है तो डालिए। उसके बाद है ऑटोमेटिक जनरेटेड पासवर्ड। अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो यह पासवर्ड ऑटोमेटिक जनरेट करेगा, और जैसे ही वो ऑटोमेटिक जनरेटेड पासवर्ड आप फर्स्ट लॉगिन में डालेंगे आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा। तो हमें डेडिकेटेड पासवर्ड रखना है, प्री डिफाइंड पासवर्ड रखना है। तो हमने इस ऑप्शन को ऑफ कर दिया है, तब यहाँ पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ रहा है। चलिए हम पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। आप यहाँ से पासवर्ड देख भी सकते हैं पासवर्ड डाला है क्या। यहाँ पे आप आई पे क्लिक करेंगे तो आपको पासवर्ड दिखेगा। Ask for a password change at next login। अगर यह ऑप्शन आप इनेबल रखते हैं तो यह यूजर को जैसे ही आप इस पासवर्ड से लॉगिन करेंगे फर्स्ट टाइम, यह आपको चेंज करने के लिए बोलेगा पासवर्ड आप चेंज कीजिए। इसको अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो यह पासवर्ड आपको डालने का ऑप्शन नहीं देगा। जो आप यहाँ पर पासवर्ड डिफाइन किए हैं उसी पासवर्ड से लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए हम ये भी देख लेते हैं। मैंने इसको ऑन कर दिया है। Add new user पे क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे यूजर क्रिएट हो गया है। यहाँ आ रहा है मोर एक्शन। मोर एक्शन पे भी देख लेते हैं क्या क्या है। Add to group। अगर आपके पास कोई ग्रुप बना हुआ है और उस ग्रुप का इसे मेंबर बनाना चाहते हैं, इस यूजर को उस ग्रुप का मेंबर बनाना चाहते हैं तो आप Add to group करेंगे। यूजर में कुछ एडिट करना है कोई इन्फॉर्मेशन तो आप एडिट करेंगे। ईमेल लॉगिन इन्फो में क्या है वो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर यूजर का इन्फॉर्मेशन आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट लॉगिन इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। तो फिलहाल हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ यूजर क्रिएट किया है और इसे ही टेस्ट करना है। तो आपको डन पे क्लिक करना है और यह नया यूजर क्रिएट हो गया। चलिए हम लॉगिन करके देखते हैं कि यूजर क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। तो हम उसके लिए जीमेल पे चलेंगे। हमने डाल दिया akash@srishtidigital.world। नेक्स्ट करेंगे। ये जो हमने पासवर्ड डिफाइन किया था वो पासवर्ड मांग रहा है, वो हम पासवर्ड डाल देते हैं और नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए फर्स्ट टाइम यह आपको टर्म एंड कंडीशन है, आपको एक वेलकम स्क्रीन है और टर्म एंड कंडीशन है, इसको आपको एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ कह रहा है क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मीन्स हमने वहां जब यूजर क्रिएट किया था तो चेंज योर पासवर्ड इन नेक्स्ट लॉगिन।
इस ऑप्शन को हमने इनेबल रखा था। जैसे ही हमने प्रीवियस पासवर्ड से लॉगिन किया तो एक नया पासवर्ड डालने का ऑप्शन दे रहा है। ये हमने पासवर्ड डाल दिया है, कंफर्म पासवर्ड कर देते हैं और चेंज पासवर्ड करते हैं। अब यह लोडिंग हो रहा है। अब देखिए यह हमारे नए यूजर से akash@srishtidigital.world से लॉगिन हो गया है। यह वेलकम स्क्रीन है, इसको नेक्स्ट कर देते हैं और यह दो ईमेल जो है, जो वेलकम ईमेल होता है जीमेल की तरफ से, ये आपको मिल गया है। तो ये जो हमारा यूज़र था akash@srishtidigital.world, इससे लॉगिन हो गया है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जीसूट अकाउंट में यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं और यहाँ लॉगिन करके देखा कि यह सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। तो आप इस तरीके से, अगर आपके पास जीसूट का बिजनेस अकाउंट है तो आप अपने यूज़र लिमिट के अकॉर्डिंग अपना यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। और इस वीडियो में हमने देखा कि सिंगल यूज़र कैसे ऐड करते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि बल्क यूज़र कैसे क्रिएट करें, यानी एक से ज़्यादा 5, 10, 20, 25, 50 जितना आपके पास लाइसेंस है उतना यूज़र आप एक ही बार में क्रिएट कर सकते हैं और उसे अपडेट भी कर सकते हैं। तो हम यह बल्क यूज़र क्रिएशन और अपडेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।